हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हीर्स वर्ल्ड। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। तो बस आज के बाद मैं अपने चैनल के अंदर जो है ना, सारी जितनी भी सारी वीडियोस मैं बनाऊंगी वो सारी मैं जो है ना ठा करके डालूंगी, क्योंकि अब सिर्फ मेकअप रिलेटेड जो है ना वो नहीं होंगी सारी चीज़ें। तो बस अब टोटके और घरेलू काम और सारी चीज़ें मैं भी डालना स्टार्ट करूंगी। तो आज का वीडियो आप लोगों ने देखना है पूरा, क्योंकि आज के वीडियो को जो है ना मैंने कर देना है आप लोग के लिए बहुत सारा ज़बरदस्त। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो अगर आपको याद हो और आप मेरे सब्सक्राइबर हों, तो मैंने एक ऑरेंज पील पाउडर बनाया हुआ था सर्दियों में, और आप लोग को मैंने बताया भी था और सिखाया भी था कि आप लोगों ने किस तरह से बनाना है। तो उसी से मैं एक DIY कर रही हूँ, खूबसूरत और ब्राइट स्किन के लिए। कम्प्लेक्शन जिनकी डार्क है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, प्लस जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। सो ये सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, जिसमें से यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बलाई, जो कि नॉर्मली हर घर में दूध वाला भाई आता है और हर घर में मौजूद होती है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप मिल्क पैक वाली बलाई या क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड मैं आप लोग को घर वाली ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ मिक्स। और जिनकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, रिंकल्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, लेकिन ये स्पेशली जो है ना नॉर्मल सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, सो मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पे। तो तब जो है ना मैं एक और ऑयली स्किन वाली बहनों और भाइयों के लिए एक और मैं वीडियो शेयर करूँगी, तो तब तक लोग इंतज़ार कीजिए। इसी तरह से पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, ये जो पाउडर है ना, इससे क्रीमी पेस्ट इस तरह से नहीं बनेगा, ये स्किन के ऊपर लगाते हुए ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप इसको स्किन के ऊपर लगाते हैं ना, तो आपकी स्किन जो है ना हीट प्रोड्यूस करती है, तो ये उसके साथ फिर चिपका चिपकू के, जैसे देख रहे हैं ना मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, तो 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना है, और फिर 20 मिनट के बाद आपने इसको कर लेना है वॉश, और आपकी स्किन इतनी खूबसूरत, इतनी सॉफ्ट आपकी स्किन हो जाएगी और आप इसको इंजॉय करेंगे। लेकिन आपने इसको अपने फेस वॉश के साथ धोना है, और यहाँ पे अभी टाइम है, और अभी बस मैं इसको जाऊंगी और जाकर मैं इसको करूंगी वॉश। आप लोगों ने अपना कोई फेवरेट क्लेंजर यूज़ कीजिए, उसके साथ वॉश कीजिए, और कोई मज़ेदार सा टोनर उसके बाद ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।